हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, फीवर आता है या नहीं आता, सोनेस कैसे रहती है, कितने दिन तक फीवर रहता है। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैंने फर्स्ट डोज लगवा ली है वैक्सीन की। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो ज़रूर देख लें कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डे वाइज सिम्टम्स बताऊँगी कि मुझे कब फीवर था कब नहीं था। तो ये मुझे ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुके हैं वैक्सीन लगवाते हुए। मैंने लास्ट थर्सडे लगवाई थी वैक्सीन और आज आई थिंक सैटरडे, उसके बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा लगता है आपको। मैं आपको पूरे डे वाइज सिम्टम्स बताती हूँ, किस दिन क्या हुआ था, किस दिन नहीं हुआ था। सो मुझे डे वन जब हम वैक्सीन लगवा कर आए थे उसका भी वीडियो मैं अभी बताऊंगी। तो अभी हम लोग वैक्सीन लगवा के आ चुके हैं और अभी मैंने नहा भी लिया है। तो अगर क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे तो नहाना बहुत ज़रूरी था, तो प्लीज़ जब भी आप लोग आए प्लीज़ टेक द बाथ ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कोविड के जर्म्स आपको लग सकते हैं, बैक्टीरिया लग सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर नहा लें। अभी तो मुझे कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, फीवर आ रहा हो। अभी तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ, इतना कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आए इवनिंग तक, नहीं तो फिर अगर लग अच्छा हुआ तो सिम्टम्स आए भी ना, देखते हैं शाम तक पता चलता है कोई और सिम्टम्स आता है या नहीं आता। अभी तो मेरे उतना पेन हो नहीं रहा है, पर हाथ में थोड़ा मेरा पेन होने लगा है, उतना मेजर नहीं है पर हाँ हो रहा है, देखते हैं। वीकनेस सी भी लग रही है, फीवर अभी तो आया नहीं है। इट्स अराउंड 4 PM नाउ। हाँ, मे बी ऑफिस का काम किया है आज तो उस वजह से हाथ में दर्द होने लगा, पर पता नहीं, देखते हैं। A few moments later. जब हम वैक्सीन लगवा कर आए थे तो हाथ में थोड़ा सा माइनर पेन था, पर ऐसा कुछ मेजर नहीं था, बहुत फिट थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब तो हो गया, मुझे मेरी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग हूँ, ना फीवर आया ना कुछ आया, चलो हो गया। उसके बाद फिर इवनिंग में मुझे थोड़ी वीकनेस लगी, हाथ में थोड़ा मेजर दर्द हुआ पर फीवर नहीं आया। फिर रात में अराउंड 10 PM मुझे फीवर आया और उसके बाद फिर मैंने पैरासीटामोल ली। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी पैरासीटामोल ही लेनी चाहिए, पर हाँ मैंने पैरासीटामोल ली तो उसके बाद मेरा फीवर चला गया था, पर वीकनेस काफ़ी थी और हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो डे वन तो मेरा ये था। डे टू फिर रात में मुझे अराउंड 4 AM मुझे फिर से फीवर आया था 1 आवर के लिए, फिर मैंने फिर से पैरासीटामोल ले ली थी और ऐसा लग रहा था कि कोरोना ना हो गया हो। तो साथ में ऑक्सीमीटर था, थर्मामीटर था, तो हर 10 मिनट में ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही थी, बाई चांस 90 से कम ना चले जाए और कोरोना हो, क्योंकि 2 बार फीवर आ चुका था। थोड़ी फटती तो है ये बस जब लगा कर आते हैं। डे टू मुझे सुबह थोड़ा फीवर था 101 था, पर हाथ में तो दर्द था ही और फीवर इतना नहीं था, थोड़ा सही हो गया था। तो मुझे आफ्टरनून तक फीवर आया था, उसके बाद नहीं था फीवर, और फिर शाम को भी कोई फीवर नहीं था, सही हो गया था फीवर। फीवर मुझे 2 दिन आया, उसके बाद कोई फीवर नहीं आया, पर हाथ में मेरे काफ़ी दिनों तक दर्द रहा, ऑलमोस्ट मेरे 4-5 दिन हाथ में दर्द रहा। अब एकदम सही है, अब वैसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, आपको फीवर आता ही नहीं आता। मुझे फीवर आया 2 दिन, मेरे भैया को बिल्कुल फीवर नहीं आया, ना उनके हाथ में कोई पेन था। भाभी को फर्स्ट डे फीवर आया था पर उसके बाद कोई फीवर नहीं आया, पर शायद मेरी इम्यूनिटी कम है, तो मुझे 2 दिन फीवर आया और हाथ में मेरे ऑलमोस्ट 5 दिन तो दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब मैं इस साइड सो भी नहीं पाती थी, उठाने में भी दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द था। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैक्सीन ना लगवाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन के बाद हमें फिर से कोरोना हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सो मुझे डे 1 डे 2 फीवर था, डे 3 डे 4 मुझे फीवर नहीं था, पर वीकनेस मुझे काफ़ी थी, मतलब ऐसा लग रहा था लेटर और बस सोते रहो, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, हाथ में तो बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे 4-5 दिन जैसे मैंने बताया। तो मेरे साथ तो मतलब ये सब हुआ, 2 दिन फीवर था, हाथ में भी 4-5 दिन दर्द हुआ, पर मेरे साथ में जो फ्रेंड्स लगवाई उन्हें मतलब फीवर नहीं आया पर उनके हाथ में पेन था 2-3 दिन। ऐसे मेरे भैया भाभी ने भी लगवाया, उन्हें मतलब फीवर नहीं आया पर हाथ में पेन था 2-3 दिन, पर मुझे 2 दिन फीवर आया। तो
बस यही था एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस तो वैसे अच्छा था, अब बिल्कुल सही, मतलब ना फीवर है, ना हाथ में पेन है, ना कुछ है, सब कुछ सही है. वैक्सीन तो लग गई है, तो सिम्टम्स आएंगे आपके, ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद. फीवर आएगा, सोरनेस होगी, हाथ में पेन होगा, ये सब कुछ होगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी वैक्सीन ना लगवाएं. वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनती है, तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं. मेरे फ्रेंड को भी मतलब कोरोना हो गया था, उसने फर्स्ट डोज ली थी, उसके बाद उसे कोरोना हो गया था. और जब उसने एंटीबॉडीज टेस्ट कराया तो उसके लंग में सिर्फ 5% इन्फेक्शन था और एंटीबॉडीज ने अपना काम किया. तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि मतलब हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बाद में ये होता है फिर कोरोना हो जाता है. बिल्कुल ऐसा ना करें, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. बस ये मेरा एक्सपीरियंस था 7 डेज का. इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. चलो ठीक है, बाय गाइस.